We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Honge kamyab ek din. Oh, man mein hai vishwas, pura hai vishwas, hum honge kamyab ek din. Namaskar, main hoon Swikar. Aur aaj ki ye video jo hai, wo topic hai ke ek safal aur kamyab mata pita kaise bana jaye. पेरेंटिंग टिप आज आपको बताने जा रहा हूँ कि माता पिता बनने का बेस्ट तरीके से. मैं खुद तो ना माँ हूँ ना पिता हूँ, लेकिन फिर भी मेडिटेशन करता हूँ. तो मेडिटेशन में मुझे बहुत लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि सर बताएं हम बच्चों की परवरिश कैसे अच्छे करें. तो चौकड़ी लगा के बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्या तरीका हो सकता है कि बच्चे जो हैं, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, वो मेरे भतीजा भतीजी हैं, तो मैं देखता हूँ कि क्या है. तो ये सब समझाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रूर सुनिएगा. एक बार एक चोर एक घर के अंदर चोरी करने के उद्देश्य से घुसा. तो जब वो घर में चोरी करने से पहले उसने घर की रेकी की अच्छे से कि इस घर के अंदर कौन कौन है. उस घर के अंदर एक हस्बैंड और एक वाइफ और उनकी एक बेटी थी, बस 3 लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था. और अच्छा खासा पैसे वाला परिवार था. तो चोर ने देखा इनके यहाँ तो अगर मैं चोरी करूँगा ना, रात को कोई ऐसा भी नहीं है कि जो चोरी को रोक सके. तो वो चोरी करने लगा और चोरी करने के लिए रात को घर में घुसा तो उसने सुना हस्बैंड वाइफ रात को सोते वक्त आपस में बात कर रहे थे कि अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है और शादी के लायक होने के बाद हम उसके लिए एक लड़का ढूँढ रहे हैं और लड़का ऐसा ढूँढना चाहिए. हमें ज़माना देखो कितना ख़राब हो गया. हमें एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए कि जो आज के ज़माने में एक साधु संत की तरह हो ना, बाकी तो पूरी दुनिया ख़राब हो गई है. तो वाइफ ने कहा कि क्यों ना हम एक किसी संत से ही अपनी बेटी की शादी कर दें, आप एक साधु देखो ना. तो दोनों ने सलाह की. चोर सारी बातें सुन रहा था दूर खड़ा हुआ. तो उन्होंने कहा क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी एक साधु संत से ही कर दें. तो उन्होंने सलाह बनाई कि हम 2 दिन बाद एक आश्रम में जाएंगे और उस आश्रम के अंदर फला फला आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे जवान सन्यासी हैं, हम किसी भी एक सन्यासी से बात करके और अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे. तो चोर ये बातें सुन रहा था सारी की सारी. चोर ने कहा कि मैं तो पागल हूँ, मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए आया हूँ और चोरी करके क्या ले जाऊँगा, 1,00,000 रुपये का सामान, 2,00,000 रुपये का सामान. लेकिन अगर मैं इनकी बेटी से शादी कर लूँ तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी. तो चोर ने अपना मन प्रिपेयर किया और उसने जिस आश्रम में इन्होंने जाने का प्लान किया था वो उस आश्रम में जाके एक साधु सन्यासी का भेष धारण करके वहाँ पे बैठ गया कि वो आएंगे और मैं उनको इम्प्रेस कर लूँगा और उनकी बेटी से शादी कर लूँगा. तो वो जो संत के पास वो पहुँचे, वो जो माता पिता थे वो उस आश्रम में गए 2 दिन के बाद. और वहाँ पर उन्होंने पहले एक सन्यासी के पास गए और उनको बोला कि बाबा जी आप ये हमारी बेटी है और जवान हो गई है शादी के लायक और हम चाहते हैं कि किसी संत पुरुष से इसका विवाह करें. तो आपसे अच्छा संत पुरुष कौन होगा, आप हमारी बेटी से शादी कर लो, उसके अंदर बहुत गुण है. तो वो सन्यासी ने कहा कि राम राम राम, मैं तो भगवान की भक्ति में लीन हो चुका हूँ और मैंने तो निर्णय किया कि शादी नहीं करूँगा जीवन भर. तो वो वहाँ से चले गए, वो दूसरे किसी सन्यासी के पास गए उसी आश्रम में, उनको कहा कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो. तो उन्होंने कहा राम राम राम, हमारे लिए नहीं है ये सारे काम. तो फिर तीसरे के पास गए, तीसरे को बोला कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो, वो शादी के लायक हो गई है. तो उसने भी कहा राम राम राम, हम तो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, ये काम हमारे लिए नहीं है. उसने 4-5 से कहा और लास्ट में चोर की बारी आई. अब चोर की दाढ़ी में तो तिनका था पहले से, चोर तो मन बना के बैठा था कि मैं तो कर ही लूँगा. तो चोर ने लेकिन ये सोचा कि पूरे आश्रम के जितने भी सन्यासी हैं वो सब मना कर रहे हैं, अगर मैंने हाँ कर दी एकदम तो सॉरी. तो उसने कहा कि जितने भी सन्यासी हैं वो सब मना कर रहे हैं शादी के लिए, अगर मैंने हाँ कर दी तो इनको डाउट हो जाएगा. तो उसने कहा आप एक काम करना, आप 2 महीने बाद आना, मैं 2 महीने बाद आपको अपना डिसीजन बताऊंगा कि मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. तो माता पिता खुश हो गए कि चलो इनकी तरफ से एक आशा की उम्मीद तो है.
और वो अपने घर चले गए। अब 2 महीने तक वो चोर उसी आश्रम में रहा, अपने आप को एक साधु संन्यासी दिखाने के चक्कर में 2 महीने तक उसी आश्रम में रहा। और 2 महीने बाद जब वो माता पिता दोबारा उस आश्रम में आए अपनी बेटी की शादी की बात करने के लिए, उसी चोर के पास पहुँचे, उनको लग रहा था कि ये सन्यासी है, उस चोर के पास पहुँचे और चोर को जाके बोला कि जी आपने हमें पहचाना, हम अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए थे और आपने कहा था कि 2 महीने बाद आना, आप हमारी बेटी से शादी कर लो, अब तो आप 2 महीने का टाइम हो गया। तो उस चोर ने कहा राम राम राम, मैं तो भगवान की भक्ति में लग चुका हूँ, ये सब मेरे लिए नहीं। तो कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहानी का सारांश क्या है, कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि वो 2 महीने के लिए वो चोर भी उस आश्रम में रहा तो वो भी एक सन्यासी हो गया। हम जिस माहौल में रहते हैं ना, हम वहाँ के हो जाते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। तो 2 महीने के लिए वो चोर वहाँ का रहा और वहाँ का हो गया। अब बातें यहाँ से पेरेंटिंग का क्या लेना देना है, आपके सफल माता पिता बनने का क्या लेना देना है, आप एक्चुअल में एक सफल माता पिता क्यों बनना चाहते हो। सफल माता पिता इसलिए बनना चाहते हो कि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं बहुत सारे। एक मैसेज आया, उन्होंने बोला कि सर मेरी सिस्टर जो है ना वो बिल्कुल कहना नहीं मानती और मुझसे छोटी है, अभी तो मैं भी छोटी हूँ और वो मुझसे भी छोटी है, वो लेकिन वो अपने घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करती। आप लोग यही तो चाहते हो कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बात माने और संस्कारी हो जाए और सही रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर ना चले। तो अब बात आती है कि वो गलत रास्तों पे क्यों चले जाते हैं और क्या तरीका है कि वो आपके रास्ते पर आ जाए। मैंने एक 3 स्टेप का फॉर्मूला बनाया है। ये 3 स्टेप का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहली बात तो होती है दीवार, ये पहली चीज़ है दीवार, दीवार को एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा होता है मुखौटा, एक मुखौटा होता है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तीसरी चीज़ है उनकी दुनिया को समझना। अब ये 3 बातें आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या है कि बच्चों और आपके बीच में एक बड़ी ज़बरदस्त दीवार बनी होती है। बच्चों को ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेशन का गैप है ना, आपके और उनके बीच में एक कम्युनिकेशन का गैप है बड़ा ज़बरदस्त। बच्चे जो बातें आपसे नहीं कर पाते ना, वो जाके अपने दोस्तों से करते हैं और कई बार गलत दोस्तों से भी कर लेते हैं। बाहर की दुनिया में जब वो जाएंगे ना, उनको बहुत सारे गलत दोस्त भी मिलेंगे जो उनको गलत शिक्षा भी दे सकते हैं। अब आप तो उनसे बात करते ही नहीं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे घर में जो 4 बच्चे हैं वो मेरे से बात करें ना करें, मैं उनसे सबसे 4ों से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। मुझे उनके दोस्तों के नाम भी पता है, मुझे उनके सबके दोस्तों के नाम पता है, इनफैक्ट के मेरे को उनके दोस्तों की आदतें भी पता है कई दोस्तों के। आप अपने आप से पूछना, वो मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे भतीजा भतीजी हैं, तो मैं उनसे बातें करता हूँ। लेकिन आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं ना, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जब आपका बच्चा स्कूल से घर आता है ना, तो आप उससे यही पूछते हो कि भाई आज खाना खाया कि नहीं खाया, आज तूने क्या क्या होमवर्क मिला और आज क्या हुआ। जब आप उनसे ये पूछोगे ना, उनसे ये पूछना शुरू करो, अगर सपोज़ करो आपके बच्चे का कोई दोस्त है हिमांशु, तो आप उससे पूछो आज हिमांशु ने क्या किया क्लास में और आज रिद्धिमा कौन सी सीट पर बैठी थी, या जो भी उनका नाम है बच्चों का। जब तक आप इतना डीप नहीं घुसोगे ना कम्युनिकेशन, आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तभी तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो तभी तो राम राम कहना शुरू करेंगे। देखो कभी भी किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो सबसे पहली बात तो क्या है, आप उसकी 4 बातें सीखोगे तो अपनी 2 बातें सिखा सकते हो। अगर उनके अंदर अच्छी शिक्षा भरनी है ना, तो पहले आपको उनकी, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी अच्छी है या बुरी है, लेकिन 4 बार उनकी अच्छी सीखनी पड़ेगी, 4 बातें उनकी सीखनी पड़ेंगी तो 2 बातें अपनी सिखा सकोगे। तो पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन की दीवार गिरानी पड़ेगी, आपको उनसे बातें करनी पड़ेगी उस लेवल पे जिस लेवल पे दोस्त करते हैं बातें। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मुखौटा। मुखौटा क्या होता है, आप अपने आप से एक सवाल पूछना कि जिस तरीके से बिहेव आप अपने दोस्तों के बीच में करते हो, क्या उसी तरीके से बिहेव अपने बच्चों के बीच में भी करते हो। तो जवाब बिल्कुल साफ साफ ना में मिलेगा आपको। आप अपने दोस्तों के साथ ना इतने स्पष्ट हो, इतने क्लियर हो कि मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म है जो आप अपने दोस्तों के साथ हो। और जो आप अपने परिवार, अपनी बीवी के साथ अलग मुखौटा है, बच्चों के साथ अलग मुखौटा है। कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता तो दुनिया के सबसे शरीफ माता पिता हैं, लेकिन हो तो नहीं ना, ये तो आपको भी पता है कि वो जो माता पिता हैं, वैसे तो माता पिता सबके आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बचपने किए हुए हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को वो ऐसा दिखाते हैं, इतना सख्त रवैया, इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि जैसे उनकी ज़िंदगी में स्ट्रिक्टनेस ही सब कुछ है।
तो आप एक चीज़ समझ लेना, ये जो मुखौटा पहन के बैठे हो ना, जैसे दोस्तों के साथ हो उनका दोस्त आपको बनना पड़ेगा। अगर उनका दोस्त नहीं बनोगे ना तो वो आपके दोस्त कभी नहीं बनोगे। और उनको कुछ सिखाना है तो पहले उनका दोस्त बनना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो मैं इसमें कहता हूँ कि उनकी एक दुनिया है, बच्चों की एक दुनिया होती है, अलग ही दुनिया होती है। वो बच्चों की दुनिया क्या है, आपने देखा होगा वो गाना आया ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने। अब इसके आगे ना बहुत सारा रैप है, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन बच्चे मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे ना, वो ब्लू आईज हिप्नोटाइज, और इसके अलावा हनी सिंह के जो गाने हैं ना उनको याद हैं, पूरे के पूरे रैप याद हैं। आपको नहीं याद, आपको क्यों नहीं याद, आप उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। बच्चे ये जो कार्टून देखते हैं ना टीवी में, ये बच्चों के कार्टून आप जब तक उनके साथ बैठ के एक दो बार नहीं देखोगे ना, पहले उनके जैसा बनना, उनकी एक दुनिया है उसको समझना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो ना YouTube के ऊपर बड़ी बड़ी वीडियोस पॉपुलर हो रहे हैं, भुवन बैम एक कॉमेडी का चैनल है, बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडी का चैनल था अभी तक। तो भुवन बैम के चैनल पे एक अजीब तरीके की कॉमेडी होती है, वो वहाँ पे थोड़ी बहुत गाली गलौच भी होती है और ये सब होता है, लेकिन बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे, ये 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं इस क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो ज़्यादातर आकर्षित होते हैं इन लोगों की तरफ, भुवन भैम जैसे लोगों की तरफ, आशीष चंचलानी की तरफ, इन लोगों की तरफ आकर्षित। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ना बच्चों की नब्ज़ पकड़ ली। पबजी करके एक गेम है, आपको पता है बच्चे पबजी खेलते खेलते उनको कब्जी हो गई है बच्चों को, तो वो पबजी की गेम है। आपको पहले पता तो चले, पहले आप तो खेल के देख लो कि ये पबजी है क्या, तभी तो बच्चों को। आज का ज़माना वो ज़माना नहीं है जी, पहले वाले बच्चे तो बड़े शरीफ होते थे, लेकिन अब जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल सुपर कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं। तो उनको अगर आपको अच्छे संस्कार देने हैं तो पहले आपको लेटेस्ट दुनिया का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हनी सिंह क्या गा रहा है, फिर आप हनी सिंह सीख के उनको कोई अच्छा सिंह सिखा सकते हो। तो आपको उनकी दुनिया को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो कम्युनिकेशन का दीवार है ना आप लोगों के बीच में, जो बात प्रॉपर से नहीं होती, आपको बच्चों के दोस्तों के नाम, सिर्फ नाम इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है इसलिए ना पता, आप इंटरेस्ट लो कि बच्चे कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, और वो उसकी मम्मी क्या करती है, उसका भाई क्या करता है, वो स्कूल में मैडम से कैसे बात करता है। आपको उनके दोस्तों के बारे में ऐसा पता हो कि जैसे कोई दोस्त को पता होता है ना, ऐसा पता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, मुखौटा, जैसे कई बातें होती हैं हम में से बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो कि जैसे कि सेक्स एजुकेशन है। हम कभी भूल के सपने में भी नहीं सोच सकते माँ बाप कि हम अपने बच्चों के साथ सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और वही बच्चे बाहर जब किसी और से ये चीज़ सीखते हैं ना तो वो बहुत गलत तरीके से उसको सीख लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वो जो चीज़ वो किसी से गलत तरीके से अगर सीखें तो इससे अच्छा आप उनको एक जेंटल तरीके से उनका दोस्त बनके अपना मुखौटा हटाओ। यार आप भी कभी उनकी तरह थे, तो जब अपना बचपन याद करो। और बचपन क्या, आज भी आप जब अपने दोस्तों के साथ होते हो तो बहुत शरारते करते हो, बहुत सारा बचपना करते हो, तो वो बचपना आपके अंदर है। बच्चों को दिखना चाहिए कि बचपना इनके अंदर भी है। और तीसरी चीज़, उनकी दुनिया को समझना पड़ेगा। जो भी चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं एक बार उनको सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी वही करते चलो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक बार उनको सीखो। आपको बच्चों को अगर ठीक करना, अपनी दो बातें सिखानी है ना, तो उनकी चार बातें सीखनी पड़ेगी। ये ज़माना आ गया है और बच्चे वैसे बहुत अच्छे होते हैं, उनकी दुनिया बहुत अच्छी। मैं तो बच्चों के बहुत सारे कार्टून आज भी देखता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आज भी एक नया नया आ रहा था, नाम तो नहीं पता, बड़ा मज़ा आया उसको देखने में। तो ये जीवन ऐसा ही है जी, जिसके अंदर बचपना ज़िंदा है ना उसी के अंदर सब कुछ ज़िंदा है। तो आप अगर एक सफल माँ बाप बनना चाहते हैं तो आपको बच्चों की दुनिया में इस तरीके से उतरना पड़ेगा। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ है, भगवान करे आप सबका खूब भला हो, खूब खुशियां हो, दुनिया में खुशियां बांटते चलें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करो इसको, और ये जो पिछली वीडियो बनाता हूँ ना इंग्लिश स्पीकिंग पे, इन वीडियोस को भी देख लो, नीचे कमेंट ज़रूर करना। आप लाइक करना भूल जाते, लाइक नहीं करते तो यूट्यूब वीडियो को आगे प्रमोट ही नहीं करता। लाइक ज़रूर, डिसलाइक कर दो अगर बुरी लगी है तो, लाइक या डिसलाइक करो, और नीचे कमेंट ज़रूर करना। शेयर का बटन लगा हुआ है, शेयर कर दो और लोगों तक। आपको ये पेरेंटिंग टिप्स अगर अच्छी लगी हैं तो इसके ऊपर भी सीरीज़ बना सकता हूँ। मेरे को तो कुछ लगता नहीं जी मेडिटेशन में बैठना, मैंने किसी से ये सीखी नहीं, अभी मेडिटेशन में बैठा और ये बातें स्वतः ही मन में आती चली गई, तो आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मैं बच्चों के साथ ये सब चीज़ें प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।